चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक जो ये दृष्टि निकलता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये सभी आप लोग जानते होंगे कि फिर चाहे UPPCS हो, MPPSC, BPSC, राजस्थान PCS या सिविल सर्विस हो, या कोई भी और भी एग्जाम हो जिसमें आप देखते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। और UPPCS के लिए तो एक तरह से लिखी ही जाती है उसी को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें आप राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं, आपका वैश्विक विधिक परिदृश्य भी देख चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी देख चुके हैं। आर्थिक परिदृश्य पर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, आपके जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी 2019-20 में घटनाएं घटी हुई हैं उनके बारे में जाना है। अब हम बात कर लेते हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। उद्योग क्षेत्र में जो भी घटनाएं 2018-19-20 में आपकी आई हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। याद रखिए, समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, जैसे सभी क्लासें आपकी उसी में डली हुई है। लास्ट में मैं क्या करूंगा कि इसका पूरा एक क्या समग्र मतलब पूरे सभी को जोड़कर एक क्लास बना दूंगा, ठीक है, बस खत्म होने के बाद। तो चलिए, आपने देखा है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 आया हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक 20 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा फितीस स्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी से निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको कि कौन जारी करता है, नीति आयोग, जो आपका योजना आयोग को पिति स्थापित करके आया हुआ था, ठीक है, और पिति स्पर्धात्मकता संस्थान के साथ मिलकर इसे जारी करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन का परीक्षण किया गया है। EPI यानी कि कहने का मतलब है कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है कि संरचना में चार स्तंभ नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ शामिल किए गए। सीधा तो कहने का मतलब है कि चार स्तंभ और 11 उप स्तंभों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को एक तरह से बनाया जाता है। अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। समग्र रैंकिंग में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष 3 स्थान पर हैं। कहने का मतलब है कि गुजरात पहले नंबर पर है आपका, फिर दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु है, ठीक है। समग्र रैंकिंग में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये 11वें नंबर पर है। किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। और 8 तटीय राज्यों में से 6 शीर्ष 10 में शामिल है आपकी तटीय राज्य। भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का नंबर है। हिमालयी राज्यों में बात करें तो उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का भी नाम आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। अब बात करते हैं चैंपियंस MSMES के लिए प्रौद्योगिकी मंच। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा MSME क्षेत्र के तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु नामक एक आपकी चैंपियन नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। मंच या पोर्टल को लॉन्च किया है, एक तरह से मंच है या पोर्टल आप कह सकते हैं। तो ये देखेंगे आप लोग कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट इन नेशनल स्ट्रेंथ नामक एक तकनीकी या मंच कह लीजिए या पोर्टल कह लीजिए आप लोग साइट, ठीक। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक नूतन पहल है। नूतन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चैंपियन पोर्टल आधारभूत रूप से छोटी MSME इकाइयों को उनकी शिकायतों का समाधान करने, प्रोत्साहन देने और सहायता प्रदान करने तथा नव स्थापित MSME इकाइयों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देने के माध्यम से बड़ी इकाई में परिवर्तित करने में मदद करेगा ये पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है, तो नई प्रौद्योगिकी से लैस है। अभी आपने देखा होगा कि MSME की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, तो इसे भी देख लीजिए। 1 जुलाई 2020 से सरकार ने MSME की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के
अधीन केंद्रीय सरकार को प्राप्त शक्तियों द्वारा निम्नलिखित नए मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र व मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। तो इसे आप लोग किस श्रेणी में रखते हैं? सूक्ष्म उद्यम में। ठीक है, लघु उद्यम की बात करें तो जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है और उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, तो इसे लघु उद्यम में रखते हैं। मध्यम उद्यम की बात करें तो जिसमें संयंत्र और मशीनरी और अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है और उसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये तीनों की परिभाषा एक तरह से बदली गई है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यदल की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश में विश्वसनीय अवसंरचना उपलब्ध कराने की सरकार की का अपनी तरह का पहला प्रयास है। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना के क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2020 से 25 की अवधि में अवसंरचना पर होने वाली अनुमानित पूंजीगत व्यय की लगभग 71% पूंजी विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा क्षेत्र में 24%, सड़कों में 18%, शहरी में आप देखेंगे 17% और रेलवे में 12% निवेश की जाएगी। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 39%, 40 और 21% अनुमानित है। तो इसमें आप केंद्र सरकार का कितना 39, राज्य सरकारों का 40 और निजी क्षेत्र का इसमें 21%। 2018 में भारत की जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर थी जिसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54%, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 31% और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें तो 15% थी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। लेकिन एक अनुमान के अनुसार 2030 तक इन क्षेत्रों यथा सेवा एवं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी जबकि कृषि क्षेत्र में गिरावट आएगी। ये हम लोग आजादी से ही देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 2030 तक जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 58%, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 54% और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होकर 8% रह जाएगी। ये बात की जा रही है आपकी 2030 तक, समझ रहे हैं? तो 2030 तक 58% सर्विस सेक्टर रहेगा और आप देखेंगे 34% के करीब आप उद्योग क्षेत्र को देखेंगे और 8% यानी कि सबसे कम कृषि क्षेत्र। वित्त वर्ष अगर हम 20-25 की बात करें दौरान 111 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार विवरण की बात करें तो ये है आपका पूरा। इसमें ऊर्जा क्षेत्र में आप 24% देखेंगे, उसके बाद सड़क में देखेंगे 18%, इसमें व्यय किया जाएगा। रेलवे की बात करें तो रेलवे में 12%, शहरी में 17%, उसके बाद बंदरगाह में 1%, एयरपोर्ट में 1%, उसके बाद डिजिटल अवसंरचना की बात करें 3%, सिंचाई में 8 और ग्रामीण अवसंरचना 7%, शहरी की बात करें तो 10-17%। ठीक है, उसके बाद कृषि और खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना में 2%, सामाजिक अवसंरचना में 4%, औद्योगिक अवसंरचना में ये 3% है। तो सबसे ज्यादा है आपकी ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। 26 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। NTTM का उद्देश्य देश को तकनीकी वस्तुओं के निर्माण में वैश्विक नेतृत्वकर्ता की स्थिति प्रदान करना। एक समय आप लोग देखते भी तो हैं हमारे यहाँ पुराने, आप सोचिए आजादी से पहले की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के, आपने देखा होगा कि बहुत से मतलब अन्य देशों के बड़े बड़े जो घराने हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो हमारे देश के कपड़ों की बहुत मांग रहती थी उन्हें। और तो अंग्रेज आपके वस्त्रों और मसालों के व्यापार के लिए तो भारत में आए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ राज करना आसान है, फूट डली हुई है, जैसा कि आज फूट डली हुई है, आज किसान आंदोलन कर रहा है तो बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, समझ रहे हैं? स्टूडेंटों पर लाठी बरसती है तो दूसरे भी पक्ष वाले मजा देखते हैं,
तो यही उस समय भी चल रहा था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस समय आप देखते हैं कि 1900 के बाद हर कोई एक मतलब एक माला में आ जाता है, मतलब सभी लोग एक ही लक्ष्य को साध लेते हैं कि अंग्रेजों से आजादी। तो हो सकता है कि हमारे देश में और भी अब आजादी मिले इन नेताओं से भी। इसमें से नहीं तो कुल परिव्यय की बात करें तो 1480 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसे 4 वर्षीय यानी कि 2020-21 से 23-24 कार्यान्वित अवधि के दौरान व्यय किया जाए खर्च किया जाएगा। इस मिशन के चार घटक होंगे, पहले घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए के परिवहन से तकनीकी वस्तुओं के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार तथा विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर दूसरे घटक की बात करें तो तकनीकी वस्तुओं के व्यापार संवर्धन और विपणन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरे घटक की बात करें तो निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार किया गया है, और इसके अंतर्गत तकनीकी वस्तुओं के वार्षिक निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-21 तक 21-22 तक 20,000 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 14,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे कि 23-24 तक निर्यात में प्रतिवर्ष 10% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना भी की जाएगी। चतुर्थ घटक की चौथे घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत तकनीकी वस्तुओं और उसके अनुपयोग क्षेत्रों से संबद्ध उच्चतर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय की एक मिशन निर्देशालय का स्थापना की जाएगी। याद रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तकनीकी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, 23% हिस्सा है। विश्व तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 4 से 5% है। आप समझ सकते हैं बहुत कम है हमारा है? पर आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद। देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 21 जनवरी 2020 को जारी की गई है। कब? 21 जनवरी 2020 को। यदि यह परिषद भारत में स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देगी। राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद को की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और भारत सरकार द्वारा की जाएगी, इसकी अध्यक्षता, ठीक है। स्टार्टअप सलाहकार परिषद में के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, यानी कि जो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे इन्हें 2 साल के लिए चुना जाएगा। विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे किसी पद पर ना हो परिषद के पदेन सदस्य होंगे। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव इस परिषद के संयोजक होंगे, और प्रत्येक परिषद प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और बैठक का कोरम बोर्ड के कुल सदस्यों का 1/3 होगा। यानी कि कोरम का मतलब होता है कि बैठक के लिए 1/3 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। इस परिषद के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं: संपूर्ण देश अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नागरिकों विशेष रूप से विद्यार्थियों में नव प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच को आसान बनाना, भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी संवर्धन करना और मूल प्रायोजकों के साथ स्टार्टअप्स पर नियंत्रण बनाए रखना, भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करना, इसके उद्देश्य हैं। क्या है उद्देश्य हैं? फिर आपने देखा होगा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। तो आपसे पूछे कि कौन जारी करता है, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि कई रिपोर्टों के बारे में अधिकतर पूछ लेता है कि ये इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ठीक है। ऊर्जा दक्षता संबंधी इस तरह का पहला सूचकांक राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 2018 में 18 के नाम से 1 अगस्त 2018 को जारी किया गया था। तो पहली बार ये
1 अगस्त 2018 को जारी किया गया था। ठीक है, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में पूरे देश में विभिन्न राज्यों के योगदान का मापन करने के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया जाता है। वर्तमान सूचकांक में सभी मांग क्षेत्र को कवर करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित है, यानी कि 97 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। 2019 के सूचकांक में गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों के माध्यम से 5 अलग अलग क्षेत्रों जैसे भवन निर्माण, उद्योग, नगर पालिका, परिवहन, कृषि एवं डिस्कॉम्स में ऊर्जा दक्षता के पहलों और कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है। सूचकांक में प्रदर्शन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को क्रमिक रूप से 4 श्रेणियों जैसे फ्रंट रनर, फिर अचीवर और कंटेंडर और एस्पिरेंट में रखा गया है, यानी कि 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। सूचकांक में कोई भी राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान नहीं बना पाया है। और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा, कर्नाटक, केरल को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें हरियाणा, कर्नाटक और केरल को अचीवर श्रेणी में रखा गया है, लेकिन फ्रंट रनर में कोई भी अपना स्थान नहीं बना पाया। फिर आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित भारत की ऊर्जा नीति समीक्षा, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा नीति आयोग के परस्पर सहयोग से भारत के ऊर्जा क्षेत्र की नीतियों, प्रवृत्तियों, सुरक्षा तथा सामर्थ्य का एक विस्तृत लेखा जोखा इंडिया 2020 एनर्जी पॉलिसी रिव्यू शीर्षक से 10 जनवरी 2020 को विकसित किया गया है। किसने? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने। याद रखिए, जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं आपके, ठीक है, और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी थी, और फिर भी अगर कोई छूटा हो तो आप बताइए, उसे भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक, याद रहे कि IEA यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी नियमित रूप से अपने सदस्य एवं समृद्ध देशों की ऊर्जा नीतियों का गहन समीक्षा संचालित करता है, और इस परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए की गई यह प्रथम समीक्षा है, भारत के संदर्भ में यह प्रथम है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 44% योगदान कोयले द्वारा उत्पादित ऊर्जा का है, जबकि कुल विद्युत ऊर्जा में कोयले का योगदान 74% है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कोयला उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे स्थान पर है उत्पादन के मामले में। ठीक है, कोयला वैश्विक स्तर पर भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक एवं रिफाइंड उत्पाद का शुद्ध निर्यातक भी है। तो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर हम लोग तेल खरीदते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल की खपत की वृद्धि दर को देखते हुए यह अनुमान है कि वर्ष 2020 के अंत तक भारत तेल के उपभोग में चीन को पीछे छोड़कर देगा और रिफाइनरी निवेश का एक आकर्षक बाजार होगा। भारत का कार्बन उत्सर्जन 1.6 टन प्रति व्यक्ति है। कितना? 1.6 टन प्रति व्यक्ति है, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 4.4 टन प्रति व्यक्ति से काफी कम है, जबकि वैश्विक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत की भागीदारी 6.4% है। एक बात और बताऊंगा, देखिए, जो देश जितना औद्योगिक क्षेत्र होंगे, जो प्रगति कर रहा होगा, उतना ही कार्बन उत्सर्जन करता है। आप समझ रहे हैं, कोयले का उत्पादन, आप सोचिए कि आप कुछ रखे रखे तो कार्बन उत्सर्जन होगा नहीं, आप लोग उससे ट्रेन चलाएंगे या बाकी उद्योग चलाएंगे तभी कार्बन उत्सर्जन होगा। तो इसका मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं आप, यानी कि आपका देश तरक्की कर रहा है, कुछ मतलब उसमें उद्योग धंधे चल रहे हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता पर ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई हुई है। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता पर वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, और ग्रीन पीस इंडिया द्वारा वर्ष 2017 में वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा रही है, यानी कि 2017 में पहली बार ये जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 287 शहरों को शामिल किया गया। कितने? 287 शहरों को इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3 प्रमुख वायु प्रदूषकों यथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि CO2, माफ करिए, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और PM10 यानी कि 10 माइक्रोन या इससे कम आकार का पार्टिकुलर
फोलेट मैटर की निगरानी, ठीक है, PM10। जहां इस रिपोर्ट में झारखंड के झरिया शहर को सबसे प्रदूषित शहर यानी कि पीएम आधार 10 के मामले में घोषित किया गया है, तो शहर है कौन सा, झरिया झारखंड का। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो पीएम 10 के मामले में मिजोरम के लोंगलेई को बताया गया है। तो सबसे एक तरह से प्रदूषित शहर आपका झारखंड का झरिया है, झारखंड झरिया, और मिजोरम का सबसे स्वच्छ शहर है पीएम 10 के मामले में लोंगलेई, ठीक है। शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं। इसमें देखेंगे नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद शामिल है। उत्तर प्रदेश के भी याद रखिए, अगर UPBCS का दे रहे हैं आप लोग पेपर तो नोएडा इसमें शामिल है आपका, और गाजियाबाद, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद और फिरोजाबाद, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र 16 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने त्रिपुरा में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम स्थित पश्चिम जलेफा गांव में की जाएगी, जो अगरतला से 130 किलोमीटर दूर स्थित है, तो इस गांव को याद रखिए। यह विशेष रूप से कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण हेतु क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होगा, जिसमें अनुमानित निवेश लगभग आपका 1550 करोड़ होगा। कितना, 1550 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये भी पूछ लेगा कि किसके द्वारा बनाया जाएगा, विकास किसके द्वारा किया जाएगा, त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। विशेष आर्थिक क्षेत्र में रबर आधारित उद्योग, कपड़ा और परिधान उद्योग, बांस उद्योग, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग आदि इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर में स्थापित होने वाला पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 आई हुई है। 10 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का 7वां संस्करण इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। तो 7वां है, किस नंबर का है, 7वें। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को 2 पृथक गतिविधियों वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और दूसरा देखेंगे इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है। एक तरह से इस रिपोर्ट को भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। वीवॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण जहां छात्रों के मध्य रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करता है, वहीं इंडिया हायरिंग की बात करें तो इंटेंट सर्वे आगामी वर्ष में नियोक्ताओं की नियोजन प्रवृत्तियों तथा प्राथमिकताओं का पूर्वानुमान लगाता है। इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे पीपल स्ट्रॉन्ग संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, इसे जरूर याद रखिए, पीपल स्ट्रॉन्ग संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 वी बॉक्स पीपल स्ट्रॉन्ग और भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में गिरावट दर्ज की गई है और वर्ष 2019 के 47.34% से कम होकर वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 46.21% के स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि कमी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही नियोजन प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई है। 2019 की रिपोर्ट में 15% से कम होकर 2020 में ये आपकी 10% पर पहुंच गई है। कितने, 10% पर, ठीक है। वर्तमान 2020 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाली 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। उच्चतम नियोजनीयता वाले 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर, तमिलनाडु फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे, कर्नाटक 5वें पर है। तो उत्तर प्रदेश का 3रा नंबर है इस सूची में। जहां महाराष्ट्र विगत वर्षों के 9वें स्थान से प्रगति करके प्रथम स्थान पहुंच गया है, वहीं आंध्र प्रदेश विगत वर्ष के प्रथम स्थान से घटकर 4थे स्थान पर पहुंच गया है। उच्चतम नियोजनीयता के वाले 5 शहरों की बात करें तो मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और बैंगलोर आपको देखने को मिलेंगे। ये शहरों की बात की जा रही है, ठीक है, तो याद रखिए इन्हें।
लखनऊ की बात करें तो उच्चतम नियोजनीयता वाले शहरों में सूची में 9वें स्थान पर है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश का शहर 9वें नंबर पे है। 2018 की रिपोर्ट में महिलाओं की नियोजनीयता 38.15%, वर्ष 2019 में 45.6% और 2020 में 47% आकलित की गई है, यानी कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2020 की रिपोर्ट में पुरुषों की नियोजनीयता 46% आकलित की है, महिलाओं से कम। फिर आपने देखा होगा कि कच्चे इस्पात का उत्पादन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसकी गणना करता है एक तरह से। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर बना हुआ है, यानी कि शीर्ष पर है, टॉप पर है। इसके बाद देखेंगे भारत एवं जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो चीन पहले नंबर पर होगा, भारत आपका दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका जापान है, ठीक है। उसमें देखेंगे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2018 में 18.13 मिलियन टन, यानी कि कहने का मतलब है 18.13 मिलियन टन था, वहीं 2019 में बात करें तो 1868.8 मिलियन टन रहा। 2019 एवं 18 के वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 कच्चा इस्पात उत्पादक देशों की बात करें तो चीन पहली रैंकिंग है, और इसकी मिलियन टन में बात करें तो 996.3 मिलियन था 2019 में, और 2018 की बात करें तो 920 मिलियन टन। अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत दूसरे नंबर पर है और 111.2 मिलियन टन, और ये 2018 में था 109.3 मिलियन टन। देखिए भली दूसरे नंबर पर है लेकिन आप देखेंगे बहुत पीछे है चीन से। चीन के बारे में आप देख रहे हैं 996 टन है लगभग, हम 111 के करीब देख रहे हैं। वहीं जापान की बात करें तीसरे नंबर पर 99.3, और ये 18 में था 1 दशमलव, माफ करिए 104.3। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें चौथे नंबर पर है 87.8 मिलियन टन, और ये 18 में था 86.6। रूस की बात करें 5वें नंबर पर 71.9 मिलियन टन, और ये आपका 2018 में था 72.1 मिलियन टन। तो चीन के बाद भारत का नंबर है, ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे। हाँ, और वैसे जनसंख्या के मामले में भी आप दूसरे नंबर में, कई क्षेत्रों में आप देखेंगे चीन के बाद हमारा नंबर आता है। कास्ट जीडीपी के मामले में भी हम लोग दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। एचपीसीएल और पीजीसीआईएल को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। आपने देखा है कि भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2019 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे आप लोग पीजीसीआईएल के नाम से जानते हैं, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जिसे एचपीसीएल के को महारत्न का दर्जा दिया गया है। इन दोनों को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद 20 नवंबर 2019 तक महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 हो चुकी है। कितनी? 10। इसमें कौन कौन सी शामिल है आपकी? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद भी देखेंगे कॉल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद आप देखेंगे ये है गेल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद देखेंगे इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर आप देखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड, फिर आप देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। इससे क्या रहता है कि आपका क्वेश्चन इस तरह बन जाता है कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है, तो अभी टोटल 10। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 14 है। कितनी? 14। तो चलिए ये था आपका उद्योग क्षेत्र, जो भी 2018-19 में आपकी घटनाएं घटी हुई हैं उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेंगे एक सेपरेट में आपका विदेशी क्षेत्र, छोटा सा चैप्टर होगा आपका, टॉपिक है, लेकिन हम लोग एक एक करके इन्हें टॉपिक को सबको देख रहे हैं तो क्रम बना रहेगा। लास्ट में ये वादा है आप लोगों से कि मतलब एक पूरा जोड़ देंगे सबको, ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको।